वार्ताहरा ममता चोपड़ा संस्कृतां युवशोधकर्त्रीं गायत्रीं साक्षात्कृतवती तत्र काशी तमिल संगमे। वार्तावली में आज हमारे साथ हैं गायत्री श्रीधरन, जो पीएचडी के स्कॉलर हैं और काशी तमिल संगमम में एक यूथ डेलीगेट के तौर पर इस वक्त काशी में है। और हम भी यहाँ काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा के तीरे यहाँ मौजूद हैं। और गायत्री, बहुत बहुत स्वागत आपका वार्तावली में। नमस्ते। नमस्ते गायत्री। सबसे पहले, क्योंकि आप संस्कृत जानती हैं, आपने संस्कृत पढ़ी है, आप संस्कृत भारती के सदस्य हैं और संस्कृत के फैलाव के लिए भी काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताइए, जो काशी तमिल संगमम है, यूथ डेलीगेट काशी आया हुआ है, क्या एहसास है आप यूथ के इस संगमम को लेकर? नमस्कार, सादरं प्रणमामि। मम नाम गायत्री, अहम् अधुना काशी क्षेत्रे अस्मि। मया सह बहवः छात्राः तमिळ्नाडु राज्यतः अत्र काशीपुरीं प्राप्तवन्तः। काशीपुरी मोक्षपुरी एव, अतः अत्र अस्माकं केन्द्रप्रभुत्वेन आयोजितं कृतमस्ति एक उन्नतकार्यक्रमः, काशी तमिळ् संगमम् इति। कार्यक्रमेस्मिन् बहवः मुख्य अंशाः वर्तन्ते। ते तु भारतीयपारम्पर्यस्थलानां दर्शनं, गङ्गारथी वैभवं, अयोध्यागमनं, अस्माकं माननीय प्रधानमन्त्रीवर्याणां सम्भाषणं, विविध संसदः इत्यादि। आसु संसत्सु वयं तमिळ्भाषायाः तथा काश्याः मध्ये प्रचलित संस्कृतिसम्बन्ध विषयाणां चर्चा भवति। कार्यक्रमम् अयम् अस्माकं माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी वर्याणां दृष्टिः, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत इति अस्य प्रयासस्य सिद्धिः निश्चयेन भवति इत्येव मम विश्वासः। अतः एतादृशकार्यक्रमस्य आयोजनं कृतवन्तः सर्वेभ्यः मम हार्दिक शुभाकांक्षाः, धन्यवादाः च, वन्दे भारत मातरम्। लेकिन आप जैसे संस्कृत में बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को सामने रखा है, ये संगमम जरूरी है। हम सब कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को ये मजबूत करेगा। आप यंगस्टर्स, यूथ भी क्या इसको ऐसे ही समझ रहे हैं कि ये संगमम वाकई जैसे काशी और तमिल संस्कृति के संबंधों को सामने लेकर आ रहा है, तो कितनी महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखते हैं आप यंगस्टर्स इसे? भारतीय युवकानां तथा युवतीनां कृते अस्य कार्यक्रमस्य द्वारा एक महोन्नत अवगमनं भवति इत्येव मम अभिप्रायः। किमर्थम् इत्युक्ते, बहवः युवकाः वा भवतु, युवत्यः वा भवतु, तमिळ्नाडुराज्यतः यः आगच्छन्ति, तेषां एक मानसिक अवगमनं न भवति काश्याः तथा तमिळ्भाषायाः सम्बन्धः कः इति। अतः प्राचीनकालतः एव अस्माकं तमिळ्भाषायाः काश्याः मध्ये सम्बन्धः अस्ति एव। अतः अस्य सम्बन्धस्य अवगमनं युवकानां, युवत्यान् युवतीनां भवितव्यम् इति कारणस्य फलमेव अस्य कार्यक्रमः, अयं कार्यक्रमः काशी तमिळ् संगमम्। तो काशी तैयार है, आप तमिल मेहमानों का स्वागत कर रही है। ऐसे में आप लोग क्या कुछ ऐसा है जो काशी में एक्सप्लोर करना चाहेंगे, चाहे वो खान पान की बात हो या हस्तशिल्प की बात हो? सब कुछ करना है हमें। प्रथमं गङ्गामातुः दर्शनं करणीयं। किमर्थम् इत्युक्ते, गङ्गायाः वैभवम् अतिश्रेष्ठमस्ति संस्कृते। गङ्गायाः महत्त्वम् अधिकं दत्तमस्ति, पुराणे वा भवतु, इतिहासे वा भवतु, बहवः शास्त्र पाठे वयम् एतदेव पठामः, गङ्गामातुः वैभवमेव पठामः। अतः गङ्गामातुः वैभवं, गङ्गा आरती दर्शनं करणीयम् अस्माकं। विविध भक्षणमपि खादव्य, ऐ मीन् खादामः इति मनसि इच्छा अस्ति। किन्तु तस्य उपरि अयोध्यागमनमस्ति, अत्र गङ्गायां तीर्थस्नानं करणीयम् इति अस्ति, तादृश बहवः चिन्तनम् अस्ति। किन्तु
कस्य संभवं भवति इति संदेहः एव अधुना। नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो जो बोल रही हैं, जो जो सोच रही हैं, वो जरूर आप लोग कर भी सके। और तमिल काशी संगमम का संदेश आप यूथ पूरे देश तक फैलाएं, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री वार्तावली में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।